हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, कतर का नंबर वन कंपनी एमसी डोलांस के बारे में आज बताऊंगा दोस्तों, और एमसी डोलांस में कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा दोस्तों, और एमसी डोलांस में जो जॉब वैकेंसी ओपन है इसके बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। इससे पहले आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि एमसी डोलांस कितना बड़ा कंपनी है। दोस्तों, एमसी डोलांस एक बहुत बड़ा कंपनी है दोस्तों, और ये कतर का नंबर वन कंपनी है दोस्तों। एमसी डोलांस का जो ब्रांच है कम से कम 40 से ज्यादा है दोस्तों कतर के अंदर। और दोस्तों बता दें कि ये सिर्फ कतर में नहीं, गल्फ का जितना भी कंट्री है हर एक कंट्री में इसका ब्रांच है दोस्तों, और सबसे ज्यादा ब्रांच दुबई के अंदर है दोस्तों। दुबई के अंदर कम से कम 100 आने की सही ब्रांच से ज़्यादा है दोस्तों, और कुवैत के अंदर में भी 40 ब्रांच से ज़्यादा है दोस्तों। तो आपको लगता होगा ना ये कितना बड़ा कंपनी है, और दोस्तों ये कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है दोस्तों। ये सबसे पहले अमेरिका से लॉन्च हुआ है दोस्तों, और ये 40 देशों से ज़्यादा देशों में दोस्तों इसका ब्रांच है दोस्तों। और बता दें कि ये कंपनी का जो फैसिलिटी है, जो वर्कर का जो फैसिलिटी देता है, जो सैलरी देता है, वो भी बहुत अच्छा है दोस्तों, और ये इसका जो सिस्टम है वो भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं कि इस कंपनी में जो जॉब वैकेंसी ओपन है वो किस पोजीशन पे है, और कौन कौन से पोजीशन का जॉब वैकेंसी ओपन है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा मेकर दोस्तों, जो पिज़्ज़ा मेकर का जो जॉब वैकेंसी है वो कतर के लिए भी ओपन है दोस्तों, और दुबई के लिए। अगर आप पिज़्ज़ा मेकर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कतर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और दुबई के लिए भी अप्लाई आप कर सकते हो। दूसरी नंबर पे है टी और कॉफ़ी मेकर। जब आप टी और कॉफ़ी मेकर के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों आप दुबई के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और कतर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरी नंबर पे है ड्राइवर। दोस्तों, ड्राइवर के लिए आप दुबई के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कतर के लिए। पर दोस्तों ड्राइवर में एक कंडीशन है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कतर का है तो सिर्फ आप कतर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप दुबई के लिए। अगर आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप अप्लाई करना चाहते हो कतर के लिए तो दोस्तों ये नहीं होगा। अगर आपके पास कतर का भी ड्राइविंग लाइसेंस और आप अप्लाई करना चाहते हो दुबई के लिए, फिर भी नहीं होगा दोस्तों। तो सिर्फ ये कंडीशन ड्राइवर के लिए दोस्तों। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पिज़्ज़ा मेकर का और कॉफ़ी मेकर का तो आप कतर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, दुबई के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सैलरी अभी तक नहीं बोला है, सैलरी कितना देगा वो आपको इंटरव्यू के बाद होगा दोस्तों। जब आप CV सबमिट करते हो उस दौरान आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों आपका सैलरी भी अच्छा देगा, क्योंकि इसका सैलरी दोस्तों इंटरव्यू के दौरान डिसाइड होता है दोस्तों, कितना देना है सैलरी और कितना में स्टाफ को रखना है दोस्तों। नेक्स्ट बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों एमसी डोलांस में अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपको गूगल में जाके एमसी डोलांस का होम पेज खोलना है दोस्तों। होम पेज खोल के सबसे पहले उसको नीचे जाके, नीचे में कैरियर होता है दोस्तों, कैरियर में क्लिक करना है। जब आप कैरियर में क्लिक करते हो तो कैरियर पेज करके आता है दोस्तों, उस पर क्लिक करना है, और उसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस सब सबमिट करना है, और लास्ट में CV सबमिट करना है दोस्तों। जब आप CV सबमिट करते हो उस दौरान कम से कम आपको एक्सपीरियंस वाला CV होना चाहिए दोस्तों। अगर आप फ्रेशर हो तो दोस्तों आप इंटरव्यू नहीं पा सकते दोस्तों, और आपका CV सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो CV है वो दोस्तों जब सबमिट करते हो उस दौरान आपका CV डायरेक्ट हेड ऑफिस जाता है दोस्तों। इसका हेड ऑफिस अमेरिका में दोस्तों, और जो आपका जो इंटरव्यू भी होगा दोस्तों अमेरिका से होगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू कतर दुबई कहीं से नहीं लग सकता दोस्तों। आपका इंटरव्यू हेड ऑफिस अमेरिका से होगा दोस्तों, और उधर का जो HR है वो इंटरव्यू लेगा दोस्तों आपका, और उस दौरान आपका सिलेक्शन होगा, और आपको पूछा जाएगा कि आपको अप्लाई कहाँ करना है, दुबई के लिए अप्लाई करना है कि कतर के लिए अप्लाई करना है, कि सऊदी के लिए, कि कुवैत के लिए। तो दोस्तों डिसाइड उस टाइम आपको करना है कि आप कहाँ के लिए अप्लाई करते हो और आप कहाँ जाना चाहते हो, कतर की, दुबई की, कुवैत। तो दोस्तों ये वैकेंसी सिर्फ अभी दो कंट्री में है दोस्तों, कतर के लिए है और दुबई के लिए। आप दो जगह अप्लाई कर सकते हो, कतर में भी और दुबई में भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही वेबसाइट से आप दो जगह अप्लाई कर सकते हैं, कतर में भी और
दुबई में भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले नए वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, कुछ नए खास लेके, गल्फ का न्यूज़ लेके और अच्छा कंपनी के बारे में फिर से कुछ नया जॉब वैकेंसी जो निकला होगा फिर हम लेके आएंगे दोस्तों, और आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे दोस्तों अगर कुछ नया अपडेट आया गया कुछ अच्छा कंपनी के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।